Hello, Maggie sir. Sir here. Hi, sir. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ हुआ है तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है इट्स ऑलरेडी टू लेट. नहीं, अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स व्हाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे. ऐसा नहीं कि लास्ट दो महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी नौ महीने दस महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहां तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास ट्वेल्थ के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताए कि यू नो कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए, मेरे पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा. तो